Hello friends and welcome back to Chiki's Biology, another video tutorial. In this video tutorial, I am going to discuss all about DBT-jrf exam. आज हम लोग बात करेंगे DBT-jrf exam के बारे में और आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहें. जैसे हमने अपनी कुछ प्रीवियस वीडियोस में अपने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में बात की है, लाइक जैसे कि हमारा गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम, हमारा गेट लाइफ साइंसेज एग्जाम या हमारा IIT जेम बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम, इन सभी एग्जाम्स के बारे में हमने अपनी कुछ प्रीवियस वीडियोस में बात की है. ऐसे ही हम लोग इन डिटेल यहाँ पे आज बात करेंगे DBT-jrf एग्जाम के बारे में. और फ्रेंड्स, ये एग्जाम जो है हमारा कुछ ही टाइम के बाद आने वाला है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करूंगा, जो इस एग्जाम को लेके एक बहुत ही आप लोगों के लिए वहां पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे. तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं. जो DBT-jrf एग्जाम है, ये पर ईयर होता है हमारा एग्जाम और इस एग्जाम के थ्रू आप लोगों को PhD में एडमिशन मिलता है. और फ्रेंड्स, जो DBT-jrf एग्जाम है, इसको जो कंडक्ट कराता है वो कंडक्ट कराता है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों को पता चल गया होगा. अब हम लोग बात करते हैं कि ये एग्जाम कितने मार्क्स का होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म कितने रुपए का होता है, आप लोगों को कितना फीस वहां पे देना पड़ेगा अगर आप लोग इस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, इस पे हम लोग यहाँ पे इन डिटेल आज बात करेंगे. तो फ्रेंड्स, और जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, इस एग्जाम को लेकर जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में भी इन डिटेल अपनी इस वीडियो में यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे. तो फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात करेंगे. तो फ्रेंड्स, जो स्टार्टिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्टिंग होगी, ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन फॉर्म आता है DBT-jrf एग्जाम का, तो ये फोर्थ वीक ऑफ फरवरी को आ जाएगा, फोर्थ वीक ऑफ फेब को ये आ जाएगा. ये सब की सब जो डेट्स हैं टेंटिवली मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ. फोर्थ वीक ऑफ फेब में आप लोगों को फॉर्म मिल जाएगा, ऑनलाइन ही अवेलेबल हो जाएगा. ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ एप्लीकेशन फी डिपोजिशन जो होगी वो होगी फोर्थ वीक ऑफ फेब में ही होगी, फोर्थ वीक ऑफ फरवरी में ही वहां पे होगी. और फ्रेंड्स, लास्ट डेट टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ये होगी फोर्थ वीक ऑफ मार्च. ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे एंडिंग ऑफ एप्लीकेशन फी डिपोजिशन, फीस का जो एंडिंग होगा एप्लीकेशन फॉर्म की डिपोजिशन का वो होगा फोर्थ वीक ऑफ मार्च. नेक्स्ट बात करेंगे एडमिट कार्ड कब आएगा, तो एडमिट कार्ड रिलीज डेट जो है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल है. ये सभी डेट्स आप लोग नोट कर लें अपनी नोटबुक में कहीं पे, अगर आप लोग ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं, DBT-jrf एग्जाम आप लोग देना चाहते हैं. और फ्रेंड्स, जिन लोगों ने गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम दिया है तो उन लोगों के लिए ये एग्जाम निकालना और थोड़ा वहां पे अच्छा हो जाता है, क्योंकि इस एग्जाम का जो सिलेबस है और जो गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम का सिलेबस है वो सिमिलर ही वहां पे है. तो फ्रेंड्स, बात करते हैं एडमिट कार्ड रिलीज डेट, मैंने आप लोगों को बताया फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल है. नेक्स्ट एग्जाम डेट जो होगी, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में इसका एग्जाम होता है. नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की, तो ये कब आता है, थर्ड वीक ऑफ अप्रैल में आता है. नेक्स्ट बात करेंगे डिक्लेरेशन ऑफ द एग्जाम रिजल्ट, इस एग्जाम का रिजल्ट कब आता है, तो ये आता है फोर्थ वीक ऑफ मई. तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी और इन सभी डेट्स में चेंज हो सकते हैं, क्योंकि ये सभी जो डेट्स हैं टेंटिवली मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे डिस्कस की. नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे, अगर कोई एप्लीकेंट्स हु बिलोंग्स टू EWS कैटेगरी कैन अपलोड देयर सर्टिफिकेट बाय लॉगिंग इन टू द एप्लीकेशन पोर्टल. ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर कोई कैंडिडेट EWS कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको इस कैटेगरी का अपना जो सर्टिफिकेट है वो वहां पे अपलोड करना पड़ेगा, तभी उसको इस कैटेगरी का वहां पे बेनिफिट मिल सकता है. नेक्स्ट बात करेंगे पास्ट MSc MTech मास्टर ऑफ वेटनरी साइंस डिग्री और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड BTech इन बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इज रिक्वायर्ड. ठीक है, अगर आप लोगों ने अपना MSc MTech और मास्टर ऑफ वेटनरी साइंस कोर्स कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, आप लोगों ने अपना बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या आप लोगों ने BTech इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स कर रखा है, तभी आप लोग जो है ये एग्जाम देने के लिए वहां पे एलिजिबल है. नेक्स्ट बात करेंगे
qualification should be passed with at least 60 marks for journal. ठीक है, journal category से अगर आप लोग belong करते हैं तो आप लोगों के जो marks होने चाहिए वो वहाँ पे 60% आप लोगों के होने चाहिए, और अगर आप लोग reserved category से belong करते हैं तो आप लोगों को फिर 5% का वहाँ पे relaxation मिल जाता है, यानी आप लोगों के जो आप लोगों की वहाँ पे ये सभी डिग्रीज हैं एमएससी एमटेक या मास्टर ऑफ वेटरनरी साइंस या बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, इन सभी डिग्रीज में अगर आप लोग रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट है तो आप लोगों को फिर 55% वहां पे आप लोगों का होना जरूरी है, तब जाके आप लोग ये एग्जाम वहां पे दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अपेयरिंग कैंडिडेट्स इन द क्वालिफाइंग डिग्री आर एलिजिबल टू अपेयर इन द टेस्ट अंडर द रिजल्ट अवेटेड आरए कैटेगरी। अगर आप लोग जो है अपना डिग्री परस्यूइंग कर रहे हैं या आप लोग अपने डिग्री के फाइनल ईयर में है तब भी आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इस पॉइंट का ये यहाँ पे मीनिंग है। नेक्स्ट बात करते हैं, द अपर एज लिमिट इज 28 ईयर। तो फ्रेंड्स, जो अपर एक एज लिमिट है इस एग्जाम को देने की वो 28 ईयर है, ये आप लोगों को यहाँ पे पता चल गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, रिजर्व कैटेगरी विल गेट रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर इन द अपर एज लिमिट। ठीक है, अगर आप लोग रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को 5 ईयर का वहां पे रिलैक्सेशन मिलेगा अपर एज लिमिट में। नेक्स्ट बात करते हैं, कैंडिडेट विद पीएच फिजिकली हैंडीकैप विल गेट 3 ईयर ऑफ रिलैक्सेशन। जो एज लिमिट है उसमें 3 ईयर ऑफ रिलैक्सेशन वहां पे मिलेगा अगर आप लोग फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स अपने और इम्पोर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट्स के बारे में। फ्रेंड्स, बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, और एप्लीकेशन फॉर्म जो है जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग ऑनलाइन इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और जो आप लोगों के पास में डॉक्यूमेंट्स हैं आप लोगों के, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और अगर आप लोग एससी एसटी या फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आप लोगों को वहां पे अपलोड करना पड़ेगा जब आप लोग वहां पे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, और जो आप लोगों की पर्सनल डिटेल्स हैं वो आप लोगों को वहां पे फिल करनी पड़ेगी, और आप लोगों को वहां पे अपना फोटो वहां पे अपलोड करना पड़ेगा। ये सभी जो फॉर्मेलिटीज हैं ये आप लोगों को वहां पे करनी पड़ेगी जब आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे डीबीटी जेआरएफ एग्जाम का। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक यहाँ पे पॉइंट्स थे एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड या जब आप लोग अप्लाई करेंगे उस टाइम पे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, यानी एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी जब आप लोग इस एग्जाम को वहां पे फिल करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो आप लोगों की जो एप्लीकेशन फीस है वो वहां पे 1000 रुपीज आप लोगों को देना पड़ेगा इस एग्जाम में अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं या इस एग्जाम के लिए आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। ठीक है, 1000 आप लोगों को वहां पे करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है तो आप लोगों को वहां पे 250 रुपीज आप लोगों को पे करना पड़ेगा, यानी आप लोगों को 250 रुपए वहां पे करना पड़ेगा। और अगर आप लोग जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आप लोगों को 1000 रुपए वहां पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स की, जो कैंडिडेट्स हैं जब वो ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो उस टाइम पे वो पेमेंट कर सकते हैं डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू। तो फ्रेंड्स, ये भी एक कॉमन पॉइंट यहाँ पे है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स की, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, द एग्जाम विल बी अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो एग्जाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जैसे गेट का एग्जाम होता है ऐसे ही ये भी एग्जाम होता है। ये भी कंप्यूटर की स्क्रीन पे आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पे दिखाई देते हैं जिसमें से आप लोगों को एक राइट और करेक्ट आंसर वहां पे देना होता है एमसीक्यू क्वेश्चन के केस में। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो उसमें फिर अगर 4 ऑप्शन दिए तो उनमें से आप लोगों को एक चूज करना होता है, या फिर एक अगर वहां पे वैल्यू फिल करने का ऑप्शन आया है जो आप लोगों ने वैल्यू निकाली है क्वेश्चन को करने के बाद, तो वो वैल्यू आप लोगों को वहां पे फिल करनी होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस वहां पे आते हैं, न्यूमेरिकल टाइप्स और आप लोगों के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वहां पे आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस वहां पे ज्यादातर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स की, द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम विल बी 180 मिनट्स, यानी ये जो एग्जाम होता है वो आप लोगों का 180 मिनट का वहां पे होता है। नेक्स्ट बात करते हैं,
3 marks will be awarded for every right answer. अगर आप लोग एक क्वेश्चन का सही आंसर करते हैं तो आप लोगों को इसके लिए वहां पे 3 marks मिलते हैं. और फ्रेंड्स देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग. यहां पे इस एग्जाम में डीबीटी जेआरएफ एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, जो आप लोगों के लिए एक वहां पे बहुत ही अच्छा एक पॉइंट है. और फ्रेंड्स ये पॉइंट आप लोगों को वहां पे बहुत ही रिलैक्स देगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जो है वो आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट प्रोवाइड कराती है. नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स कि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप लोगों को वहां पे इसका बेनिफिट होगा. नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं है तो ये आप लोगों को बेनिफिट वहां पे प्रोवाइड कराएगी. सॉरी. और फ्रेंड्स बात करते हैं कि कितने क्वेश्चंस आते हैं और कौन से सेक्शन से वहां पे कितने नंबर का क्वेश्चन वहां पे आता है और आप लोगों को कितने क्वेश्चंस वहां पे करने होते हैं, कितने क्वेश्चंस आप लोगों को वहां पे नहीं करने होते हैं, इस पे भी मैं बात करूंगा. तो फ्रेंड्स इसमें जो सेक्शन होते हैं वो सेक्शन होता है सेक्शन ए और सेक्शन बी. तो फ्रेंड्स सेक्शन ए में जो है इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 50 होते हैं टोटल क्वेश्चंस. और फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चंस आते हैं ये आते हैं जनरल साइंस से, मैथमेटिक्स से, केमिस्ट्री से, जनरल एप्टीट्यूड से, एनालिटिकल से आते हैं और फ्रेंड्स क्वांटिटेटिव एबिलिटी से आते हैं. और फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस जनरल बायोटेक्नोलॉजी से आते हैं और एक्स्ट्रा इसमें और भी बहुत सारे कुछ डोमेन से क्वेश्चंस इस सेक्शन में आते हैं. तो फ्रेंड्स जो एनालिटिकल बायोटेक्निक्स होती हैं वहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो फ्रेंड्स यहां से इस सेक्शन में सेक्शन ए में जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 हैं और ये सभी के सभी जो क्वेश्चंस हैं ये कंपलसरी है, इसमें आप लोगों को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा. और फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि 50 जो क्वेश्चंस होते हैं एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का वहां पे होता है और फ्रेंड्स जो टोटल इस सेक्शन के मार्क्स हैं वो है 150, क्योंकि 50 × 3 जब आप लोग करेंगे तो 150 वहां पे हो जाएगा. नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन बी की. सेक्शन बी में जो है इसमें स्पेसिफिक एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मींस इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो इम्यूनोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बायोकेमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस आते हैं और फ्रेंड्स वहां पे बायो इन्फॉर्मेटिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस वहां पे आते हैं और फ्रेंड्स जो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है उसके भी कुछ क्वेश्चंस वहां पे आते हैं, एनिमल सेल कल्चर से भी कुछ क्वेश्चंस वहां पे आते हैं. तो इस तरह के क्वेश्चंस इन सभी सब्जेक्ट से वहां पे आते हैं. तो फ्रेंड्स जो इस एग्जाम का स्टैंडर्ड रहता है वो गेट एग्जाम की तरह ही रहता है, गेट एग्जाम की तरह ही इस एग्जाम का स्टैंडर्ड रहता है. तो फ्रेंड्स इस सेक्शन में जो है टोटल जो क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन बी में वो आते हैं 150 और आप लोगों को सिर्फ 50 क्वेश्चंस यहां पे अटेम्प्ट करने होते हैं. और फ्रेंड्स जो आप लोग इन 150 क्वेश्चंस में से जो आप लोग स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करते हो, मतलब मींस कि 50 से बाहर अगर आप लोग करोगे तो वो फिर वहां पे चेक नहीं होंगे. जो स्टार्टिंग के 50 होंगे जो आप लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं इन 150 में से उन्हीं को वहां पे आप लोगों के वही क्वेश्चंस वहां पे मान्य होंगे, वही वहां पे माने जाएंगे और फ्रेंड्स उन्हीं में अगर आप लोगों ने वो सही किए हैं तो उनके मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे, अगर गलत किए हैं तो फिर वहां पे आप लोगों को कोई मार्क्स वहां कोई मार्क वहां पे आप लोगों को नहीं मिलेगा. तो स्टार्टिंग के जो 50 होंगे जो आप लोगों ने अटेम्प्ट किए होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके, तो फ्रेंड्स वही 50 क्वेश्चंस के मार्क्स आप लोगों को वहां पे मिलेंगे. तो आप लोग इन 150 क्वेश्चंस में से वही 50 क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करें जो आप लोगों को अच्छी तरह से वहां पे आते हों, उन्हीं का आंसर आप लोग वहां पे करें. अदर आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को मत वहां पे करें जिनके आंसर आप लोगों को नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल रहे हैं क्वेश्चंस को चूज करने के, क्योंकि 150 में से सिर्फ 50 करने, यानी 100 क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल रहा है 100 क्वेश्चंस का, ठीक है. तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो 50 क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को करने होते हैं और यहाँ पे भी वन क्वेश्चन जो होता है अगर आप लोग एक क्वेश्चन सही करते हैं तो उसका आप लोगों को वहां पे 3 मार्क्स आप लोगों को वहां पे मिलते हैं. तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी आप लोगों के 150 मार्क्स हो जाते हैं और फ्रेंड्स जो टोटल इस एग्जाम में जो टोटल मार्क्स हैं वो आप लोगों के 300 मार्क्स आप लोगों के हैं और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को करने होते हैं वो 100 आप लोगों को करने होते हैं और जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं वो 200
200 क्वेश्चंस इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आप लोगों को पता चल गया होगा। और इस एग्जाम के जो सेंटर्स हैं वो बहुत जगह है, इंडिया के अंदर बहुत जगह आप लोगों को मिल जाएंगे, जैसे गाजियाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, आप लोगों को ग्वालियर में मिल जाएगा, पटना, भोपाल, गुवाहाटी, बहुत जगह आप लोगों को मिल जाएंगे, मेरठ, मुंबई, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, औरंगाबाद, नोएडा, आगरा, पुणे, अहमदाबाद, इस तरह से सॉरी आप लोगों को सेंटर्स मिल जाएंगे, इलाहाबाद, शिलोंग। तो फ्रेंड्स ये कुछ यहाँ पे सेंटर्स हैं और अदर भी बहुत सारे सेंटर्स हैं तो आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आप लोग अपने नियर का ही सेंटर चूज करें जिसमें आप लोगों को जाने के लिए प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स ये बात हो गई यहाँ पे क्वेश्चंस के बारे में और पेपर के पैटर्न के बारे में। अब मैं बात करूंगा कि फ्रेंड्स इसमें टू यहाँ पे क्या होता है कि जब आप लोग किसी इंस्टीट्यूट में डीबीटी जेआरएफ एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में आप लोग जब फर्दर पीएचडी में इन्वॉल्व होते हैं तो फ्रेंड्स वहां पे आप लोगों को जब आप लोग जेआरएफ होते हैं तो फेलोशिप अमाउंट फॉर जेआरएफ, तो आप लोगों को जेआरएफ का जो फेलोशिप अमाउंट आप लोगों को मिलता है वो आप लोगों को 25,000 पर मंथ आप लोगों को मिलता है, प्लस एचआरए आप लोगों को मिलता है अगर आप लोग उस इंस्टीट्यूट में हॉस्टल फैसिलिटी नहीं ले रहे हैं। अगर आप लोग उस इंस्टीट्यूट में हॉस्टल फैसिलिटी लेते हैं तो एचआरए आप लोगों को फिर वहां पे नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट बात करते हैं फेलोशिप अमाउंट फॉर एसआरएफ, एसआरएफ को इस एग्जाम के थ्रू कितना फेलोशिप अमाउंट मिलता है, सॉरी, तो वो मिलता है 28,000 प्लस एचआरए, और एचआरए तभी मिलेगा अगर आप लोग उस इंस्टीट्यूट का हॉस्टल या मैस आप लोग यूज नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग बाहर रूम लेके रह रहे हैं तो आप लोगों को एचआरए मिलेगा। तो फ्रेंड्स बात करते हैं रिसर्च कॉन्टीजेंसी अमाउंट आप लोगों को कितना मिलेगा, तो ये आप लोगों को मिलेगा 30,000 आप लोगों को ये मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट्स थे डीबीटी जेआरएफ एग्जाम को लेके। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी, आप लोगों के माइंड में कोई डाउट है तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और आप लोग मेरे साथ में जुड़ सकते हैं इंडिया के नंबर वन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अनअकैडमी। और फ्रेंड्स मैं अपने अनअकैडमी अकाउंट की लिंक आप लोगों को अपनी सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देता हूं, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं और आप लोग मुझे मेरे चिकीज बायोलॉजी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी आप लोग अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स, अपने आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं आप लोग मुझसे वहां पूछ सकते हैं और आप लोग मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। इन सभी अकाउंट्स की जो लिंक है मैं आप लोगों को अपनी सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा अवेलेबल करा देता हूं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए चिकीज बायोलॉजी चैनल पे लेके आऊंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तभी जाएगा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस किया है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।